जैन दोस्तों, मैं भूपन नामदेव। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023, जी हाँ दोस्तों, एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी दिल्ली पुलिस एमटीएस के पद पर भर्ती निकली हुई है। तो आज हम जानेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर जो भर्ती निकली हुई है उसके बारे में। हम जानेंगे कब से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कितना आपसे ऑनलाइन फीस चार्ज किया जाएगा, एज कितना होना चाहिए, आपकी आयु सीमा कितना होना चाहिए, कितना आपको इसमें छूट मिलेगा, आपकी योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना आप पास होना चाहिए। अब बात करें उसके बाद हम बात करेंगे इसकी पोस्ट के बारे में कि कितने पद पर भर्ती निकली हुई है, मेल का पोस्ट कितना है, फीमेल्स का पोस्ट कितना है, कैटेगरी वाइज मैं जानकारी देने वाला हूँ। फिर हम बात करें इसके पेपर के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि कितने नंबर का आपका क्वेश्चन होगा और माइनस मार्किंग है या नहीं, सारी जानकारी। और सबसे लास्ट में हम बात करें इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इसके ऑनलाइन डेट के बारे में। तो आपके फॉर्म 1 सितंबर से ऑनलाइन हो रहे हैं, 1 सितंबर 2023 से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 30 सितंबर है। अब बात करें इसकी फीस के बारे में। तो आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से आपका 100 रुपये फीस चार्ज किया जाएगा। एंड अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट एंड फिजिकली डैमेज कैंडिडेट हैं, जिसे हम पीएच बोलते हैं, तो आपको 1 रुपये फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। अब बात करें इसकी एज यानी आयु सीमा के बारे में। तो जो आपकी मिनिमम एज होना चाहिए वो आपकी 18 साल होना चाहिए और जो आपकी मैक्सिमम एज होना चाहिए वो आपकी 25 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी इसमें 3 साल की छूट, तो 25 3 हो गए 28 साल। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट, तो आपकी उम्र होगी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात करें इसकी योग्यता के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सिंपल, आपसे 12वीं पास मांगा गया है। अगर आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हैं, केवल आप 12वीं पास होने चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन एक है, ये है कि आपसे इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा मांगा गया है? तो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल वाला मांगा गया है, जिसे हम लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं। इसमें हैवी मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस नहीं मांगा गया है, आपसे मोटरसाइकिल वाला, लाइट मोटर व्हीकल वाला आपसे लाइसेंस मांगा गया है। तो ये होगी योग्यता के बारे में जानकारी। अब बात करें पोस्ट कितने नंबर पर भर्ती निकली हुई है। तो आपकी भर्ती 7,547 पद पर ये निकली हुई है और मेल का इसमें पोस्ट है 5,056 पोस्ट, लड़कियों के लिए आपका पोस्ट है 2,491 पोस्ट। अब हम कैटेगरी वाइज इसमें बात करेंगे। तो इसमें जनरल का है आपका 3,053 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का है 542 पोस्ट और ओबीसी का आपका 287 पोस्ट, एससी का आपका 872 पोस्ट और एसटी का आपका 302 पोस्ट है। अब लड़कियों के बारे में, फीमेल्स यानी बहनों के बारे में बात करें, तो जनरल का आपका है 1502 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 268 पोस्ट, ओबीसी का आपका 142 पोस्ट, एससी का आपका 429 पोस्ट और एसटी का आपका 150 पोस्ट। टोटल आपकी 7,547 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें इसके पेपर के बारे में। तो पेपर आपका वही रहेगा, आपका 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं। पहला है आपका जीके जीएस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबसे ज़्यादा नंबर गिराएंगे। तो आपका जीके जीएस से पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, जो कि आपके 50 मार्क्स गिराएंगे। रीजनिंग से पूछे जाएंगे आपके 25 क्वेश्चन, जो कि आपके 25 मार्क्स गिराएंगे। मैथ से पूछे जाएंगे आपके 15 क्वेश्चन, जो कि आपके 15 मार्क्स गिराएंगे। और सबसे लास्ट में आपके कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10 मार्क्स करेंगे। सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाएगी जीके जीएस, तो आपको सबसे ज़्यादा जीके जीएस पर ही फोकस करना है। और रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग हर कोई कर लेता है देखो दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज नंबर होते हैं वो रीजनिंग में ही होते हैं और जीके जीएस में सब कोई अटक जाता है। तो अभी से आप इसमें तैयारी में लग जाइए। और रही बात मैथ की, तो मैथ भी 15 नंबर का आना है और कंप्यूटर 10 नंबर का आना है। तो जो आपका मेरा डिसाइड होगा, जो आपका आप जो कमाल कर सकते हैं वो आप जीके जीएस और रीजनिंग में कर सकते हैं।
और रही बात मैथ और कंप्यूटर की, तो जब 50 और 25 हो जाएगा 75 तो वैसे भी हो गए, और पिछली साल का 2020 में जो कट ऑफ गया था वो ओबीसी का 60% गया था, लेकिन उस साल का पेपर जो टफ था यानी कठिन था, डिफिकल्ट था, लेकिन इस साल कह नहीं सकते कैसा पेपर आएगा, जैसा पेपर आएगा वैसे ही आपकी कट ऑफ जाएगी। तो सोचिए उस साल जो फार्म डाले थे तो उनका 60 में सिलेक्शन हुआ, मेरे गाँव के बंदे का सिलेक्शन हुआ है, तो उनका 60 में ओबीसी का बंदा 60 में उसका सिलेक्शन हो गया, तो सोचिए फिर। और अगर आप इसमें जीके जीएस और रीजन में आप अपनी कमांड कर सकते हैं तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे, और मैथ कंप्यूटर से थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा, मैथ तो भाई सब कोई एसएससी की तैयारी करा तो वैसे ही बन जाएगा। अब बात करें सिर्फ टाइम के बारे में, तो टाइम मिलेगा आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, और जो आपकी माइनस मार्किंग होगी वो 1/4 की होगी यानी 0.25 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो आशा करता हूँ पेपर के बारे में समझ गए होंगे, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो मेल का जो हाइट होना चाहिए आपका, सबसे पहले हम हाइट के बारे में बात करें, तो मेल का हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल का आपका हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। मेल के चेस्ट के बारे में बात करें, लड़कों के चेस्ट के बारे में, तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 81 होना चाहिए, 81 बोले तो बिना फुलाए यानी पूरी सांस आपको निकाल देनी है ऐसे, और 81 सेंटीमीटर आपको कर लेना और फुला के ऐसे, तो आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए यानी 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका फुला हुआ आना चाहिए, ज़्यादा भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं आना चाहिए। अब बात करें रनिंग के बारे में, तो रनिंग आपका 1600 मीटर का कराया जाएगा, और इसमें रनिंग जो है अच्छी खासी है, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सब कोई क्वालिफाई, इसमें भी अच्छा खासा फिजिकल है, अच्छी आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो रनिंग आपकी 1600 मीटर की होगी, और जो आपको टाइम दिया जाएगा 6 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, मैं बता दूँ आपको टाइम इसमें फुल दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 6 मिनट का टाइम आपको बहुत होता है, लेकिन इसमें तैयारी करनी पड़ेगी अच्छी खासी दौड़ के लिए। लड़कियों के लिए टाइमिंग की बात करें दौड़ में, तो आपको टाइम मिलेगा 1600 मीटर का रनिंग कराया जाएगा, और आपको टाइम दिया जाएगा 8 मिनट का, लड़कों को मिलेगा 6 मिनट का, लड़कियों को मिलेगा 8 मिनट का। अब बात करें इसके लॉन्ग जंप के बारे में, तो लड़कों का जो लॉन्ग जंप है वो होना चाहिए 14 फिट, आपको लॉन्ग जंप मारना है, ऐसा गड्ढा बना देंगे और आपको यहाँ से लंबी ऐसे कूदना है दौड़ के, और लड़कियों के लिए आपको 10 फीट आपको लॉन्ग जंप मारनी है। और लड़कियों के बारे हाइट जंप के बारे में बात करें, तो लड़कियों का हाइट जंप होना चाहिए वो सॉरी लड़कों का हाइट जंप आपको मारना है 3.9 का आपको हाइट जंप इसमें करना है, एक ऐसा डंडा ऐसा गाड़ जाएंगे बल्ली से और ऐसा डंडा, फिर आपको दौड़ के आना है ऐसे कूदना है, और लड़कियों के लिए आपका 3 फीट का रहेगा, जैसे आपका ITVP टेलब्रेंड में हुआ था वैसे ही आपको होना है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी फिजिकल के बारे में जानकारी, और अगर कुछ इसमें छूट गया हो और सबसे और सॉरी अभी सैलरी के बारे में रहेगी, सैलरी आपकी इसमें अच्छी खासी मिलती है, सैलरी आपकी टोटल बताऊँ अलाउंस मिला के, हाउस रेंट अलाउंस और महंगाई भत्ता और ट्रेवल अलाउंस जो भी सारे भत्ते दिए जाते हैं सब भत्ते मिला के आपकी जो शुरुआत में सैलरी मिलेगी वो 38,000 से 40,000 के बीच में आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। ये किसी भी आपकी स्टेट पुलिस में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, चंडीगढ़ पुलिस में शायद मिलती है, लेकिन और किसी स्टेट में आपका इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, चंडीगढ़ स्टेट नहीं है वो, लेकिन किसी भी स्टेट में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, आपका दिल्ली में ही मिलती है, चंडीगढ़ में दिल्ली में मिलती है। तो ये होगी सैलरी के बारे में जानकारी, सैलरी आपको मिलेगी 38,000 से 40,000 के बीच में, और अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी बता दूंगा। अगली वीडियो इसके SSC दिल्ली पुलिस MTS के बारे में रहेगी, और जितनी भी नई नई वैकेंसी निकलती है आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।